अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को श्री अकाल नमस्ते थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने स्पेशली टाइम निकाला इस वेबिनार को सुनने के लिए काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम इंटरेक्शन कर रहे हैं और मेरे पास आपके लिए बड़ी अच्छी और रेलिवेंट नॉलेज है क्योंकि आज कल के दिनों में डेफिनेटली लोग जो है इस वक्त घरों में हैं ज़्यादातर लॉकडाउन uh, की वजह से जो कि इंडिया में है पाकिस्तान में है यू में ऑलमोस्ट हर जगह पे uh, इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे जस्ट uh, मेरे फ्रेंड लिस्ट में से अगर कोई कंफर्म कर सके कि क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ जी थैंक यू वेरी मच ओके जी तो आज के वेबिनार का बकायदा बकायदा हम आगाज करते हैं और ये मेरा वेबिनार को बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा मैं कोशिश करूंगा इसको मैक्सिमम पचास मिनट में या एक घंटे में वेबिनार को फिनिश करूं और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक जैसे कि आजकल आपको पता है कि बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है मोयो ट्रेड सोशल ट्रेडिंग के हवाले से जो कॉन्सेप्ट uh, और प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है उसका पार्ट टू और uh, उसके हवाले से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि पार्ट वन से पार्ट टू कैसे डिफरेंट है uh, कैसी कैसी ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं एक्चुअली में ये सोशल ट्रेडिंग है क्या तो ये सारी चीज़ें जो है uh, आप लोगों के दिमाग में है और आपकी टीमें आपसे पूछती होंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयर करा सकूं और इसका एग्जैक्ट प्रोजेक्ट समझा सकूं कि आपको कहाँ पे कैसे किस तरीके से किस जगह से राइट डायरेक्शन में काम करके इसमें से रिजल्ट लेना है तो इसको मैं आगाज करने से पहले आपको अगर ओवरव्यू दे दूं कि ओवरऑल अगर मार्केट की हम सिचुएशन देखें जो इस वक्त चल रही है पेंडेमिक के टाइम में तो इस वक्त जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं या ऑनलाइन इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सुपर डुपर चल रही हैं जो किसी भी जो है प्रैक्टिकल या, या ट्रेडिशनल बिज़नेस के साथ मुंसलिक नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है फॉरेक्स तो फॉरेक्स का नाम पेश पेश है डेफ, डेफिनेटली Uh, 2015 के बाद पहली बार जो है 6.7 ट्रिलियन पे वॉल्यूम गया यानी पेंडेमिक के दिनों में फॉरेक्स में डेली बेसिस पे तो ये एक आ, बड़ी जो है आ, आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ आ, का इशारा कर रहा है इस इंडस्ट्री के लिए ये पेंडेमिक का टाइम उसके अलावा अगर आप क्रिप्टो में देखें तो क्रिप्टो में वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और स्पेशली बिट के अंदर वॉल्यूम जो है वो बहुत बढ़ रहा है क्योंकि हाविंग भी हो गई और जैसे जैसे हाविंग की लोगों को समझ आ रही है जो इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं जो बिट की ग्रोथ के ऊपर या ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं तो जैसे जैसे उनकी समझ में आ रही है चीजें तो आप ये देखेंगे कि ये मार्केट फर्दर इस आगे बढ़ती चले जाएगी और ये जो बेसिकली थर्ड वे फेज है क्रिप्टो का इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी एक्सचेंजेस ने सारी की सारी कंपनीज ने इस वक्त थर्ड uh, जनरेशन की ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी है और वो थर्ड जनरेशन की जो ट्रेडिंग का पार्ट है जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग फर्स्ट uh, जनरेशन का था उसमें क्रिप्टो एक्सचेंज का सेकंड पार्ट था और अब जो है वो मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सचेंजेस काम कर रही हैं जिसमें ना सिर्फ आप बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं बल्कि आप सेल साइड से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और मार्जिन के साथ कमा सकते हैं तो ये जो थर्ड uh, जनरेशन की ट्रेडिंग है इसको आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्ट है तो इस वक्त क्रिप्टो के अंदर भी थर्ड जनरेशन की ट्रेडिंग का ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है और वक्त के साथ साथ तेजी से बढ़ रहा है आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट हर बड़ी एक्सचेंज ने जो है फ्यूचर ट्रेडिंग को लॉन्च किया है जबकि अगर आपको याद हो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो जो मोहसन जमील साहब का पहला लॉन्च इवेंट था टू जुलाई में पताया के अंदर तो उसके अंदर उन्होंने ये प्रोडिक्ट किया था कि अल्टीमेटली इस मार्केट को स्विच करना पड़ेगा इस इस तरफ पे तो यही बक्स कॉइन का भी प्रोजेक्ट था और बक्स कॉइन भी जो है टेक्नोलॉजी वाइज और इन चीज़ों के साथ साथ जो है वो इसी तरफ ही बढ़ रही है जैसे कि पहले दिन से आप सब लोगों को गाइड किया गया था कि ये बक्स कॉइन जो है वो एफ का एक प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली अब एफ के जो यूटिलिटीज हैं वो कंपनी ने वन बाय वन जैसे जैसे मुकम्मल हो रही हैं तो उनको लाना शुरू कर दिया है तो उसमें जो मोयो ट्रेड है आप ये समझ लीजिए कि मोयो ट्रेड जो है वो बक्स क्वाइन का एक हार्ट है यूटिलिटी का क्योंकि इसमें टिकट साइज बहुत बड़ा है इसमें मार्केट बहुत जो है वसी लेवल पे आप टारगेट कर सकते हैं मैं आज आपको एक्सक्लूसिवली कोशिश करूंगा कि सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोयो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आ चुका हुआ है तो वो किस तरीके से ज्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रैब कर सकता है मार्केट से और किस तरीके से एक एफएक्स की कम्युनिटी खड़ी कर सकता है अपने इस क्वाइन के अगेंस्ट जो कि इसकी बाइंग साइड पे आएगी क्योंकि इससे पहले जितना भी हमारा बक्स क्वाइन मौजूद है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के पास और नेटवर्क मार्केटिंग के इन्वेस्टर्स के पास है तो अब अगला ऐसा कौन सा फेज जो कंपनी ने शुरू किया है उसमें जो ओल्ड लोग हैं उनको अब निकालना है और डेफिनेटली इसमें नई कम्युनिटीज को लाना है इसमें नई कम्युनिटीज को स्विच करना है और वो किस तरीके से करना है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले सोशल ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा तो सोशल ट्रेडिंग को हम आज अगर इस बात से आगाज करें कि अगर आप गूगल के अंदर टाइप करें सर्च करें सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स तो यहाँ पे मैं कुछ देर पहले रिसर्च uh, कर रहा था तो इस रिसर्च में जो टॉप के प्लेटफॉर्म uh, है उसमें नंबर uh, वन पे इटोरो आता है और ये uh, बहुत सालों से काम कर रहा है मार्केट के अंदर और अगर इटोरो की अगर फीचर्स को आप देखें तो इटोरो क्या काम करता है किसी भी इन्वेस्टर को जो कि फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट uh, करना चाहता है उसको ये कहता है कि मेरे पास आके एज ए इन्वेस्टर अकाउंट खोलो और अगर कोई एज ए ट्रेडर भी अकाउंट खोलना चाहता है तो वो अपने प्लेटफॉर्म में जो कि इटोरो का प्लेटफॉर्म है उसमें आपका एक अकाउंट खुलवाता है तो होता क्या है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी यानी कि ट्रेडर ने जो भी ट्रेड लगाया वो सेम ट्रेड कॉपी होके जितने भी इन्वेस्टर उ, उस ट्रेडर को फॉलो कर रहे होंगे तो उनके अकाउंट में वो ट्रेड कॉपी हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड सोशल ट्रेडिंग जैसे आप फेसबुक में किसी को फ्रेंड बना लेते हैं या जैसे आप ट्विटर के अंदर किसी को भी फॉलो कर सकते हैं तो सिंपली ये क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सोशलाइज करना है तो ट्रेडिंग में दो लोग दो पार्टीज होती हैं उसमें एक पार्टी होती है इन्वेस्टर दूसरी पार्टी होती है ट्रेडर तो ट्रेडर की एक्सपर्टीज से फायदा उठाना होता है इन्वेस्टर ने तो वो क्या कर सकता है इन्वेस्टर कॉपी कर सकता है या फॉलो कर सकता है अपनी पसंद के ट्रेडर को राइट जिस जिसके ऊपर उसको लगता है कि मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ या जिसके ऊपर उसको लगता है कि ये बंदा अच्छा प्रॉफिट बना रहा है क्योंकि उसकी सारी हिस्ट्री वहां पे शो हो रही होती है तो इटोरो ने डेफिनेटली अपने तौर पे एक आइडिया स्टार्ट किया और करते 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 अगर आप यहाँ पे आए अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका मार्केट का आइडिया दे दूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है तो उनको ये लगता है कि अगर हम कोई चीज़ लेके आए हैं और उनके लिए अगर नहीं है तो वो दुनिया में शायद नहीं हो रही ऐसा नहीं है तो अगर देखा जाए और अगर आप इसकी पूरी वेबसाइट का आर डी करें इटोरो की तो इसमें इटोरो के ऑलमोस्ट टेन मिलियन से ज्यादा जो है वो यूजर हो चुका हुआ है और अगर आप इटोरो क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसमें बड़ी हैवी जो है क्योंकि टोरो एक वेल स्टेब्लिश प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है तो डेफिनेटली uh, उन्होंने उसका एक हैवी क्राइटेरिया भी रखा है कि अगर आपको सारी सर्विसेज इंजॉय करनी है तो आपको डायमंड मेंबर बनना पड़ेगा उनका तो अगर डायमंड मेंबर की आप उसमें देखें इसके अंदर जाके कि आप इसका सिल्वर कैसे अचीव कर सकते हैं या गोल्ड कैसे अचीव कर सकते हैं या प्लैटिनम कैसे अचीव कर सकते हैं या डायमंड कैसे, कैसे अचीव करते हैं कर सकते हैं या uh, तो आपको पता चलेगा कि इसमें ढाई लाख डॉलर तक जो है वहां से स्टार्ट करना होता है और जबकि जो अगर आप एज ए ट्रेडर आते हैं या आप एज ए इन्वेस्टर आते हैं तो आपको एक्सपोजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इटोरो पे मौजूद ट्रेडर और इटोरो पे मौजूद इन्वेस्टर्स का मिलता है यानी कि वो आपस में ही सिर्फ इंटरलिंक कर पाएंगे वही लोग जो इटोरो का पार्ट हैं जिन्होंने इटोरो के अंदर इन्वेस्ट किया है यानी कि आपको उसमें फ्री में अकाउंट क्रिएट करके कुछ भी नहीं मिलने वाला सिंपली आपको क्या करना होगा या तो एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर ढाई लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना होगा उसके सारे बेनिफिट इंजॉय करने के लिए और इसका एक दूसरे नंबर पे अगर हम प्लेटफॉर्म देखें तो उसका नाम है जुलू ट्रेड जो कि 2007 से काम कर रहा है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बहुत वेल स्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है और अगर आपको काफ़ी मरतबा ये मोहसन साहब ने भी शेयर किया है कि आलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है इसका वॉलीम हो चुका हुआ है और अगर देखा जाए इसका कंपनसेशन प्लान जो कि उन्होंने एज ए एफिलियट प्रोग्राम के, के तौर पे लॉन्च किया हुआ है तो अगर आप उसका एफिलियट प्रोग्राम देखेंगे और देन फिर आप इन सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं आ, अपने प्लेटफॉर्म के साथ कि कि आया के मोयो ट्रेड आपको क्या फैसिलिटी दे, देने के लिए जा रहा है क्योंकि मोयो ट्रेड स्टार्ट पे है अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छे टाइम पे आप इसमें अपनी जगह बना सकते हैं आ, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टायर वन पे आपको सिर्फ चार डॉलर ही मिलते हैं पर स्टैंडर्ड लॉट पे और आ, टायर टू पे सिक्स डॉलर मिलते हैं पर स्टैंडर्ड लॉट पे और यहाँ पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं लेकिन टेन डॉलर मिलते हैं पर स्टैंडर्ड लॉट पे और उसके लिए भी ये क्राइटेरिया जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा तो इसमें काफी डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है उन एफिलिएट्स को जो इसमें से आ, काम करके पैसा कमाना चाह रहे होते हैं और अगर हम बात करें इन्वेस्टर को ट्रेडर का एक्सपोजर और ट्रेडर को इन्वेस्टर का एक्सपोजर जुलू ट्रेड के अंदर तो जुलू ट्रेड थोड़ा मुख्तलिफ है इटोरो से इटोरो सिर्फ अपनी कम्युनिटी बनाता है यानी कि वो इनवाइट करता है कि सिर्फ और सिर्फ आप मेरे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे तो आप इस कॉपी ट्रेड की एज ए ट्रेडर इंजॉय कर सकते हैं या एज ए इन्वेस्टर बेनिफिट इंजॉय कर सकते हैं लेकिन जुलू ने थोड़ा सा इसको एनहांस किया जुलू ने ये काम किया कि कुछ ब्रोकर के साथ अपना टाई अप किया उसमें मेजोरिटी ऑफ ब्रोकर जो है वो डेफिनेटली यूरोप से अमेरिका से इन कंट्रीज से हैं Uh, तो या तो आपका उन ब्रोकर्स के साथ MT4 का अकाउंट होना चाहिए या फिर डायरेक्टली आप जुलू ट्रेड के साथ अकाउंट खोलें तो uh, देन आप एक दूसरे की ट्रेड को कॉपी कर सकते हैं या एज ए इन्वेस्टर जो है वो आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं तो बेसिकली जुलू ने इसको थोड़ा सा इन्हांस किया उसके अलावा और भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं आप अपने तौर पे आरएनडी कर सकते हैं आ, लेकिन कुछ मुख्तलिफ चीजें जो है वो लेके आया है आ, मोयो ट्रेड और यही वजह है कि हम इसमें यूनिक फीचर्स क्रिएट करके मार्केट में आना चाह रहे थे तो आ, आज के दिन में आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि जैसे जुलूच चंद लिमिटेड ब्रोकर्स के ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को एक्सेप्ट करता है अपने सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में और इटोरो जो है वो सिर्फ अपने ट्रेडर्स को और अपने इन्वेस्टर को यानी कि उनका हिस्सा पहले बनना पड़ेगा देन उनको एक्सेप्ट करता है कॉपी ट्रेड के लिए लेकिन मोयो ट्रेड जो है वो दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है जो आ, आप दुनिया में किसी भी ब्रोकर के साथ अगर आपका एम फोर का अकाउंट है एज ए इन्वेस्टर एज ए ट्रेडर तो आप क्या कर सकते हैं मोयो ट्रेड की कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं ये बहुत बड़ी फीचर है क्योंकि आ, अगर देखा जाए इसको रिटेल लेवल से कंपनी ने लॉन्च किया है आ, क्योंकि जुलू ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स के साथ मिलकर काम करता है और उन ब्रोकर्स में जो लोग काम कर रहे हैं कर रहे होते हैं वो चूज करते हैं कि हमें जुलू में आना है लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म को ये सोच के डिजाइन किया कि पूरी दुनिया में जो फॉरेक्स हो रही है जिसका 6.7 ट्रिलियन डॉलर वॉल्यूम है उसका 80 परसेंट वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट एमटी से रिलेटेड का आता है और वो सारे के सारे पूरी दुनिया में रेगुलेटेड नहीं है या हम उनके साथ जाके ज्वाइंट वेंचर नहीं कर सकते तो कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की वो टेक्नोलॉजी क्या डेवलप की कि आप एज ए क्लाइंट दुनिया में किसी भी ब्रोकर का हिस्सा है और आपके पास एम फोर का अकाउंट है तो आप सिंपली अकाउंट क्रिएट करके एड इन्वेस्टर या एड ट्रेडर जो है अपना एम अकाउंट कर सकते हैं और देन आप इसकी कॉपी ट्रेड जो है वो करना शुरू कर सकते हैं तो इसके हवाले से ऑलरेडी मोहसन साहब ने काफी सारे डेमो वेबिनार्स किए हैं ताकि आपको एक एक फीचर दिखाई जाए आपको समझाया जाए कि इसके अंदर मल्टीप्लायर क्या होता है इसके अंदर अकाउंट आप अप कैसे कर सकते हैं एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर आ, कैसे ये सारी चीजें देख सकते हैं तो मैं ज्यादा फीचर्स के ऊपर इसके टाइम नहीं लगाऊंगा लेकिन मैं इसके आपको बुलेट्स पॉइंट एक्चुअली में बताना चाहता हूं जो बुलेट्स पॉइंट को समझ के आपने आगे मार्केट में जो है बिजनेस करना है जिससे आपको फायदा हो या जिससे आपको लगे कि मोयो ट्रेड को फायदा होगा और इनडायरेक्टली बक्स बक्सकॉइन का फायदा होगा तो इसमें अगर हम डिस्कस करें मैं आपको आसान लैंग्वेज में अगर मैं एक्सेल में समझाना चाहूं तो इसको आज के दिन में हमने समझना ये है कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से हम सक्सेसफुल कर सकते हैं और किस किस ऑडियंस को हम इस काम के लिए टारगेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसान है आज के दिन में आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं या बाहर आना जाना भी काफ़ी हद तक जो है वो नामुमकिन के बराबर है किसी भी मुल्क के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के जूम के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए या व्हाट्सएप कॉल के जरिए या जैसे भी आपको लगता है कि आप इंटरेक्शन कर सकते हैं तो आप अपने वो तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको से रिलेटेड आप जानते हैं और फ़ॉरेक्स में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो काम कर रहा हो और आपके मोयो ट्रेड का क्लाइंट ना बन सकता हो ये पोटेंशियल मौजूद है अब कितने क्लाइंट्स बना पाते हैं ये हम लोगों की और आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है और मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसकी कितनी अच्छी मार्केटिंग कर पाएंगे इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि बेसिकली मोयो ट्रेड जो है उसके अंदर काम करके हम किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं तो सबसे पहले नंबर पे Uh, जैसे कि आपको याद होगा कि uh, जब हम बिटसो लाइव में uh, काम कर रहे थे तो कुछ कमिटमेंट्स थी कंपनी की तरफ से जिसमें एक बड़ी कमिटमेंट ये थी कि uh, आपको पता है कि मोहसन साहब का uh, जो टोटली एक्सपीरियंस है और जो उनका एक्चुअली में वर्थ है वो सारी के सारी फ़ॉरेक्स में 21 साल का एक्सपीरियंस है तो उन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि एक वक्त आएगा कि हम खुद जो है अपने एक्सपीरियंस के जरिए दुनिया भर के ट्रेडर्स को लाएंगे ताकि वो बक्स क्वाइन का यूजेज कर सकें या वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें तो उस बात को समझने के लिए डिटेल में आज आपको ये बात जो है अगले दस मिनट में समझनी पड़ेगी एक्चुअली में अब एक्चुअली में अगर हम देखें तो नॉर्मली बिट्सो लाइव के अंदर जो कि हमारा एफिलियट प्रोग्राम का वेबसाइट है उसमें क्या होता है उसमें सिंपली नेटवर्कर्स uh, होते हैं और नेटवर्कर्स के इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनके साथ मिलके पैसे लगाते हैं या उनके साथ मिलके काम करते हैं तो बेसिकली ये दो तरह के लोग होते हैं किसी भी एफिलियट प्रोग्राम में प्रमोटर्स uh, होते हैं नेटवर्कर्स होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं तो बिल्कुल ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना इसको भी कि मोयो ट्रेड के अंदर भी दो तरह के लोग होंगे क्योंकि ये टोटली एक डिफरेंट इंडस्ट्री है और अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है जो कि बिट्सो लाइफ के लोगों की आप समझ लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको कोई ना कोई ऐसी कम्युनिटी उसके अगेंस्ट खड़ी की जाए जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट को बाय करे यानी कि उसके बक्स को बाय करे तो अब वो कम्युनिटी खड़ी करने का टाइम आ गया है एक्चुअली और वो कम्युनिटी कौन सी होगी सबसे पहले आपने इसको समझना है तो मोयो ट्रेड के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें एक कम्युनिटी होगी ट्रेडर्स की यानी कि वो लोग जो खुद ट्रेड कर सकते हैं सिग्नल लेके करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के जरिए करते हैं या उनका खुद का इतना एक्सपीरियंस है कि वो मार्केट को वॉच करके समझ जाते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करना है तो एक तो तरीकेकार ये है कि मोयो ट्रेड के अंदर कौन से लोग आएंगे ट्रेडर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है एफ की इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी बंदा आपको मिलेगा और वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है पुराना है तो डेफिनेटली वो ट्रेडर होगा तो वो आपका मोयो ट्रेड का क्लाइंट बन सकता है किस तरीके से बन सकता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए आप और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि एफ में जो लोग आ, पैसे इन्वेस्ट करके ट्रेड भी करते हैं तो वो इन्वेस्टर भी होते हैं या ट्रेडर भी होते हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या होता है कि उसमें एक्सपर्ट ट्रेडर्स नहीं होते यही वजह है कि एफ के अंदर आपको पता है कि एक मिथ होती है कि ऑलमोस्ट नाइनटी परसेंट लोग जो है वो पैसे लूज करते हैं राइट right? लेकिन इसके बावजूद जो है सिक्स पॉइंट सेवन ट्रिलियन डॉलर वॉल्यूम डेली हो रहा है तो मैं ये बात कर रहा हूं कि वो लोग जिनका कैपिटल मौजूद है फॉरेक्स के अंदर खा वो एज ए इन्वेस्टर खा वो एज ए ट्रेडर राइट तो आपने उनको एज ए क्लाइंट टारगेट करना है और किस तरीके से टारगेट करना है अगर आप देखें तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ब्रोकर के साथ कोई भी बंदा कोई भी कंपनी काम कर रही है और वो एम फोर को यूज कर रहा है जो कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि 80 परसेंट फॉरेक्स का वॉल्यूम जो है वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेड होता है यानी कि इस कम्युनिटी के जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हैं वो एम टी फोर में अकाउंट ट्रेड करते हैं क्योंकि उनके ब्रोकर जो है वो एम टी फोर का लाइसेंस लेके काम करते हैं तो अब होता क्या है कि आप क्या कर सकते हैं किसी भी ट्रेडर को चाहे वो किसी भी कंपनी के साथ है ओक्टा एफेक्स के साथ है एक्सनेस के साथ है हार्वेस्ट uh, के साथ है किसी भी दुनिया के ब्रोकर में किसी भी दुनिया के कोने में अगर उसके पास एम फोर अकाउंट है तो डेफिनेटली वो क्या कर सकता है एज ए ट्रेडर आ सकता है या एज ए इन्वेस्टर आ सकता है और वो मोयो ट्रेड में आके अपना अकाउंट बुकअप कर सकता है अब सवाल ये है कि जब कोई भी बंदा जो है वो एम का अकाउंट लेके पहली एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि वो एज ए ट्रेडर आता है तो उसको फायदा क्या तो उसको फायदा ये है कि लेट से मैं मैंने एक अकाउंट खोला और उसकी वैल्यू है टेन थाउजेंड डॉलर किसी भी ब्रोकर के साथ और मैं इस अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ और अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं आ, अच्छा ट्रेड कर लेता हूं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और मैं एक्सपीरियंस रखता हूं तो हो सकता है कि मैं अगर इसमें मंथली 20% इनकम अर्न कर रहा हूं ट्रेड करके तो 2000 डॉलर का अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो ये बहुत अच्छी बात है अब मेरे अकाउंट में क्या हुआ हजार डॉलर टोटल हो चुके हैं अब इस हजार डॉलर की वैल्यू को जो मैंने इंक्रीज किया है वो मैंने अपने कैपिटल से इंक्रीज किया है यानी कि जो मैंने पैसे अपने अकाउंट में इन्वेस्ट किए हैं और अपने ही पैसों को मैं क्या कर रहा हूँ ट्रेड कर रहा हूं और उसमें मैं अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं या मैं अपना रिस्क ले रहा हूं अब इस सिनेरियो में आपके पास कैपिटल भी लिमिटेड है आपके पास पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट भी लिमिटेड है और आपका रिस्क भी लिमिटेड है तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को लिख लें कि कैपिटल भी आपका लिमिटेड है और प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड ही होएगा और जो रिस्क है वो वो भी आपका उतना ही है जितना आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया अब ये तो हो गया एक तरीकेकार तो अगर मोयो ट्रेड का मैं हिस्सा बन जाता हूँ एज ए ट्रेडर ये नॉर्मल फॉरेक्स में हो गया तो अगर मैं मोयो ट्रेड का हिस्सा बनता हूं तो मेरे लिए कुछ एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेज क्या है कि मुझे कैपिटल अपना लिमिटेड ही रखना है टेन थाउजेंड डॉलर मेरे पास पहले था टेन थाउजेंड डॉलर ही आज है मेरे पास लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड आ सकता है <coughs> तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर के पास कि अपने कैपिटल के साथ उसके पास लिमिटेड कैपिटल के साथ लिमिटेड uh, प्रॉफिट बनाने का ऑप्शन है लेकिन यहां पे मोयो ट्रेड को जब वो ज्वाइन करेगा तो वो अनलिमिटेड प्रॉफिट्स बना सकता है और अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क उतना उसका ट्रेडर का उतना ही है है जितना उस बंदे ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ यानी कि उतना रिस्क तो वो पहले भी लेके घूम रहा था लेकिन इसमें एक चीज का चांस बढ़ गया वो चांस क्या था कि उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकता है ये बहुत की पॉइंट है और ये मोयो ट्रेड उस बंदे को यह सहूलत दे रहा है कि तुम अपने ब्रोकर के ब्रोकर के साथ रहते हुए जहां पे तुम्हारा कैपिटल है तुम अपनी लॉयलिटी चेंज नहीं करो तुम्हें तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है तुम उसी कंपनी में रहो उसके विड्रॉल अच्छे लगते हैं उसके डिपॉजिट्स अच्छे लगते हैं नो प्रॉब्लम अब उसी के साथ रहते हुए लिमिटेड कैपिटल के साथ अनलिमिटेड प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी अर्न कर सकते हो लिमिटेड रिस्क के साथ मोयो ट्रेड को ज्वाइन करके तो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप दे रहे होंगे किसी भी ट्रेडर को अगर आप इस चीज को समझ लें अब वो किस तरीके से चीज काम करेगी उसमें होता क्या है कि आपको पता है कि हमारे बिटसो लाइफ के अंदर भी इन्वेस्टर्स हैं और हमारे पास बिटसो लाइफ के अंदर प्रमोटर्स भी हैं जिनका काम ही ये होता है कि और से और, और, से, और से और इन्वेस्टर्स को लेके आना तो बिट्सो लाइफ के इन्वेस्टर जो कि एम फोर में अकाउंट खोल रहे हैं Uh, uh, सबसे पहले नंबर पे जो एम टी फोर के बिट्सो लाइफ के अंदर अकाउंट खोल रहे हैं वो इन्वेस्टर क्या चाहता है वो इन्वेस्टर ये कहता है कि भाई मेरे पास स्किल्स नहीं है ट्रेड करने की मैं सिर्फ पैसा लगा सकता हूं अच्छा उनका नेटवर्कर क्या चाहता है उनका नेटवर्कर भी ये चाहता है कि मेरा इन्वेस्टर पैसे बनाए चाहे जो भी हो और मेरा इन्वेस्टर जब पैसे बनाएगा तो मैं फिर और इन्वेस्टर्स को मोटिवेट कर सकता हूं यही तो हम चाहते हैं राइट right? तो जब ब्रिट्सो लाइफ के जो लोग हैं जो एज ए नेटवर्कर्स काम कर रहे हैं अब एम फोर के इन्वेस्टर्स लाने के लिए इसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप ला सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं आपको मोयो का थीम बताना चाहता हूं कि मोयो के अंदर ट्रेडर कैसे फायदा उठा सकता है और देन इन्वेस्टर कैसे फायदा उठा सकता है लेट से मैंने एक आ, आ, किसी भी इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस किया एक लाख डॉलर के साथ कि उस बंदे ने एक लाख डॉलर का पैकेज बाय किया एम का बिट्सो लाइफ के अंदर तो अब होगा क्या कि अगर मैं ट्रेड नहीं कर सकता और मेरा इन्वेस्टर भी ट्रेड नहीं कर सकता तो मेरे पास ये सहूलत मौजूद है कि मैं अपने इन्वेस्टर का अकाउंट सिंपली क्या करूं मोयो ट्रेड के अंदर जाके हुकअप कर दू और इसको हुकअप करना जो है वो दो मिनट का काम भी नहीं है आपने सिंपल क्या करना है अपना अकाउंट क्रिएट करना है या इन्वेस्टर का अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पे प्रोफाइल में जाके ऐड इन्वेस्टर कर देना आपने और ऐड इन्वेस्टर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एम टी फोर पे क्लिक करके तो आप उसको क्या कर सकते हैं सिंपली उसके यूजर आईडी पासवर्ड देख के और उसका नाम यहाँ पे रख के आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और देन आप किसी भी अच्छे से ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं तो इस हवाले से डेफिनेटली हम आपको छोटी छोटी वीडियोज भी निकाल के देंगे पूरी ट्रेनिंग भी देंगे लेकिन फिलहाल के लिए आप सबसे पहले अपना जेन ये क्लियर करिए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या इसका लार्जर में आपको क्या फायदा है अगर आप नेटवर्कर हैं लेट से तो अगर आप एज ए नेटवर्कर हैं और आप क्या कर रहे हैं किसी भी इन्वेस्टर को लेके आ रहे हैं लेट से मैं किसी इन्वेस्टर को लेके आ रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक इन्वेस्टर को लेके आऊं और उस इन्वेस्टर का प्रॉफिट बने और प्रॉफिट उसका भी प्रॉफिट बने और मेरे लिए भी एक अच्छा बोनस जनरेट हो तो यही तो चीज़ हम चाहते हैं तो वो नेटवर्कर क्या करेगा सिंपली काम ये करेगा कि उसको यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर एक लाख डॉलर के अकाउंट के साथ यहाँ पे हुकअप कर देगा मोयो ट्रेड के अंदर अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रेड नहीं करना जानते जो उनको करना भी नहीं चाहिए ट्रेड वो क्या कर सकते हैं वो अपने एम टी फोर अकाउंट को एक तो बिट्सो लाइव से आएंगे जो हम पुश कर रहे हैं पकड़ पकड़ के लोगों को ला रहे हैं कि आप एम टी फोर के अंदर अकाउंट खोलें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आप इसमें आ, काम कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं तो और ज्यादा अच्छा है लेकिन दूसरे नंबर पे कंपनी खुद अब काम कर रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर और आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक से कंपनी डिफरेंट कैंपेन्स रन कर रही है यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर और आने वाले टाइम में आपको ये बढ़ता हुआ नजर आएगा तो उसमें कंपनी आउटर इन्वेस्टर जो कि बिटसो लाइफ का हिस्सा नहीं है या दुनिया में किसी भी ब्रोकर के अंदर वो काम कर रहे हैं तो उनको कंपनी एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर लाने के लिए मार्केटिंग स्टार्ट कर रही है तो लेट से एक लाख डॉलर से यहां पे एक इन्वेस्टर जो है वो आ गया अब ये इन्वेस्टर ट्रेड नहीं कर सकता तो ये क्या काम करेगा ये इस ट्रेडर को फॉलो कर सकता है तो लेट से इस बंदे ने तो दस हजार डॉलर की ऊपर उस हिसाब से रिस्क लिया तो इसने दो हजार डॉलर प्रॉफिट बनाया और इसकी सारी हिस्ट्री नजर आ रही है तो इन्वेस्टर क्या काम कर सकता है किसी भी एक ट्रेडर को दो को तीन को चार को पांच को दस को यानी कि मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगी आप टॉप ट्रेडर्स में से किसी भी ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं आप शुरू शुरू में किसी एक ट्रेडर को कॉपी करेंगे जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बैठेगा आप देखेंगे कि और भी ट्रेडर्स हैं जिनका रैंक ऊपर आ रहा है वो प्रॉफिट बना के ऊपर आ रहे हैं लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप भी उनको फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो लेकिन अगर मैं इसी एक ट्रेडर के सिनेरियो में आपको समझाऊं तो होगा क्या कि अगर इस ट्रेडर को इस इन्वेस्टर ने फॉलो किया है उसकी के रेशो के हिसाब से कि वो जितना रिस्क ले रहा है वो अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क ले रहा है ये अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क ले रहा है और उसको फॉलो कर रहा है तो अगर इसने अपने अकाउंट में तो टू लगाने से ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्वेंटी तो ये इन्वेस्टर के लिए कितनी जबरदस्त बात है कि इन्वेस्टर के पास ये स्किल नहीं है वो इतना प्रोफेशनल नहीं है या उसके पास पांच साल का दस साल का या दो साल का एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेड करने का लेकिन वो क्या कर रहा है इस बंदे के एक्सपीरियंस से फायदा उठा रहा है इस बंदे के ब्रेन से फायदा उठा रहा है और इस बंदे के ऊपर वो रिस्क इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो ये देख रहा है कि इस बंदे ने भी अपने पैसे लगाए हैं और वो अपने पैसे को लूज कभी भी नहीं करना चाहेगा लेकिन फिर भी आप रिजल्ट देख के ट्रेड करें तो जब आप इसको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में भी ट्रेड होता है तो इसने अगर टू थाउजेंड डॉलर बनाए हैं अपने अकाउंट में तो इस इन्वेस्टर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्वेंटी डॉलर का प्रॉफिट बन जाएगा अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है ट्रेडर के लिए यानी कि कि ट्रेडर को क्या फायदा कि वो दूसरे लोगों को अपनी ट्रेड्स कॉपी करवाए मोयो का हिस्सा बनके तो बिल्कुल उसका फायदा है उसका फायदा ये है कि वो प्रॉफिट में से थर्टी परसेंट जो है वो शेयरिंग ले सकता है यानी कि इस बंदे के रेफरेंस से या किसी भी ट्रेडर के रेफरेंस से जितने भी इन्वेस्टर चाहे वो पचास डॉलर से आए एक लाख डॉलर से आए एक मिलियन डॉलर से आए जितने भी इन्वेस्टर उसको फॉलो करते चले जाएंगे और उनके इन्वेस्टर उसकी ट्रेड से प्रॉफिट बनाते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या काम होगा कि उसको थर्टी परसेंट का शेयर मिलता जाएगा इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट में से तो लेट्स से अगर इस सिनेरियो में हम देखें कि इस बंदे ने ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर जो बनाया उस ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर में से जो थर्टी परसेंट बनता है वो सिक्स थाउजेंड डॉलर बनता है जो कि इस ट्रेडर को जाएगा तो उसके अलावा टेन परसेंट मोयो का कट है जो कि मोयो हर प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर लेगी तो इस बंदे को भी फायदा ये हो गया कि सिक्सटी परसेंट जो है इस बंदे को प्रॉफिट मिल गया अपने कैपिटल के ऊपर जिसकी उसको ट्रेडिंग करना भी नहीं आती थी तो इस बंदे के लिए भी विन विन सिचुएशन है आ, मोयो जो है वो टेन परसेंट की शेयरिंग ले रही है आ, हर प्रॉफिट में से और थर्टी परसेंट जो है वो ट्रेडर को जा रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो गई इस ट्रेडर के लिए कि जो अपने ब्रोकर के साथ टेन थाउजेंड डॉलर इन्वेस्ट करके कमा रहा था लेट से टू थाउजेंड डॉलर अपने कैपिटल पे रिस्क लेके तो अगर वो उसी अकाउंट को हुकअप करता है और ट्रेड बेशक उसी MT4 में करे या मोयो ट्रेड के अब को इस्तेमाल करके करे एक ही बात है अगर वो अपने एम टी फोर को भी इस्तेमाल करके ट्रेड लगाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड यहाँ पे इसके ट्रेडर अकाउंट में आएंगी और यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर उस बंदे को फॉलो कर रहे होंगे उसके अकाउंट में भी कॉपी हो जाएंगी तो उस बंदे ने कैपिटल तो वही टेन थाउजेंड डॉलर का जो अपने ब्रोकर के साथ उसने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है लेकिन उस बंदे को यहां से फायदा ये हुआ कि उसको यहां से इन्वेस्टर मिल गए और वो जो दूसरे लोगों का कैपिटल है उस कैपिटल में से जो दूसरों को प्रॉफिट बना के दे रहा है जस्ट लाइक हिज ओन कैपिटल तो वो उसके ऊपर भी शेयरिंग ले रहा है तो आप खुद ये देख सकते हैं कि अगर वो अपने कैपिटल से जो कि उसके पास हर इंसान के पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है राइट right? तो वो कमा रहा है टू थाउजेंड डॉलरियो में और वो थर्टी परसेंट की, की शक्ल में आप ये देखिए कि डॉलर कमा रहा है एज ट्रेडर तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो इसमें दो लोगों का तीन लोगों का एक्चुअली में पर्पज अचीव हुआ पहले नंबर पे ट्रेडर को अगर देखें तो ट्रेडर को घर बैठे अपने आप मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म की वजह से उसको इन्वेस्टर मिलना शुरू हो गया उसको घर पे ऑनलाइन बैठ के ही ट्रेडिंग करना है जैसे वो पहले कर रहा है अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करके और सिर्फ उसका काम ये है कि वो अच्छा ट्रेड करे जब वो अच्छा ट्रेड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली लोग उसको फॉलो करेंगे अब यहाँ पे नेटवर्कर क्या चाहता था नेटवर्कर ये चाहता था कि उसने एक इन्वेस्टर को लेके आया और उसके इन्वेस्टर के अकाउंट के अंदर ना तो वो खुद ट्रेड कर सकता है ना उसके इन्वेस्टर कर सकता है तो वो ये चाहता है कि उसके बिहाफ पे कोई और ट्रेड करे जो अच्छा ट्रेड कर सकता है तो इस सिनेरियो में अगर आप ये देखें तो इस इन्वेस्टर का भी मकसद पूरा हो गया कि उसने जो पैसा लगाया उसके ऊपर ट्रेड करके ट्रेड करवा के एक्चुअली उसने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया तो ही इज आल्सो हैप्पी तो ये बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा मार्केट के अंदर ताकि और इन्वेस्टर उसको फॉलो करना शुरू करे और ये बंदा भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा ताकि उस बंदे की कम्युनिटी में या उसके नेटवर्कर्स को और ज्यादा फायदा हो और उसके बाद यहाँ पे नेटवर्कर्स के लिए क्या किया है ब्रिट्सो लाइफ के अंदर कंपनी ने ब्रोकर्स इंट्रोड्यूसर प्लान कंपनी ने लॉन्च किया है जिसको आप एम प्लान भी कह सकते हैं और वो प्लान बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है नेटवर्कर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है वो किस तरीके से अट्रैक्टिव है नॉर्मली क्या होता है हम एज ए नेटवर्क मार्केटिंग के लोग या एज एफिलियट हम क्या करते हैं कोई भी सेल जब लाते हैं दस हजार डॉलर की पचास हजार डॉलर की एक मिलियन डॉलर की कोई भी सेल हम खुद लाते हैं या अपनी टीम से लाते हैं तो जब वो सेल पंच हो रही होती है तो हमें उस सेल का उसी वक्त फायदा हो जाता है या विद इन वन वीक फायदा हो जाता है उसके बाद उस कैपिटल के ऊपर कभी भी हमें फायदा नहीं होता तो ये प्लान कुछ इस तरीके का है कि जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो तब तो पहले नंबर पे आपको फायदा होगा हो ही होगा और वो फायदा किस शक्ल में होगा कि 20 परसेंट बक्स क्वाइन जो है वो आप यूज कर सकते हैं हर पैकेज के अंदर जो ब्रिट्सोलाइव में आप एम का बेचते हैं अगर मैं आपको पैकेजेस दिखाना चाहूं, वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा कि इसके पैकेजेस के लिए अलग से एक सेक्शन बना हुआ है बिट्सो लाइफ के अंदर एम का जब आप इसको एम को क्लिक करेंगे तो इसके शॉप के अंदर आके आप इसको देख सकते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने ये पैकेजेस डिजाइन किए हैं जो कि 200 डॉलर से लेकर के एक लाख डॉलर तक की वैल्यू के हैं और इसकी सारी डिटेल भी आपको यहाँ पे दी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको अपना खुद का अकाउंट लगाना है एज ए एफिलियट चाहे आप uh, पहले से नेटवर्क का हिस्सा है लेकिन आपको मिनिमम टू हंड्रेड डॉलर का अकाउंट लगाना होगा देन आप अपना ये ट्री स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि बिट्सो लाइफ का ऑलमोस्ट एक लाख यूजर है ऑलरेडी और कंपनी ने इतने ज्यादा इवेंट्स किए हुए भी हैं कंपनी ने इतने ज्यादा ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं कि लोगों का आपस में एक दूसरे का इंट, इंटरेक्शन भी है तो अगर कोई बंदा एक्टिवली काम करना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या काम करेगा अपना कोई भी पैकेज जो है वो परचेज करेगा 200 डॉलर का 10,000 डॉलर का जितना वो चाहता है एम टी फोर में ट्रेड करना या करवाना मोयो के अंदर तो उसके बाद अगला काम क्या कर सकता है कि अपने थ्रू सेल्स लाना शुरू कर सकता है तो जितनी भी वो लोगों को स्पॉन्सर करेगा लेट से एक एक हजार डॉलर से भी अगर आप काम शुरू करते हैं अपनी ही कम्युनिटी के अंदर या बिट्सो लाइफ के अंदर तो ये एक नया ट्री बन रहा है और इस नए ट्री के ऊपर आपको फायदा ये है कि आपका ट्वेंटी परसेंट बक्स कॉइन इस्तेमाल हो रहा है ये तो हो गया नंबर वन फायदा आपको जब आप सेल पंच कर रहे हैं तो ट्वेंटी परसेंट बक्स कॉइन जो है वो स्पॉन्सर अपने इस्तेमाल कर सकता है या अगर उसके अपने पास अपने पास है इन्वेस्टर के पास तो वो भी अपने इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसमें आपके ट्री के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूं आप हैं और आपके ट्री के अंदर ये बंदा जो है साइन अप हो गया ओके अब यहां पे जब ये बंदा आपके आ, आ, आप अगर इसको स्टार्ट करते हो और लेट से ये आपका लेवल वन है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे एक एक हजार डॉलर से कुछ कोई बंदा एक हजार डॉलर से ज्वाइन करेगा कोई पांच हजार डॉलर से ज्वाइन करेगा ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कोई अः दस हजार डॉलर से ज्वाइन करेगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना समझा पाते हैं उनको काम लेकिन अगर इनिशियली वो एक हजार डॉलर से भी ज्वाइन करेगा तो फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझाना है ताकि वो उसके अच्छे रिजल्ट ले सके और जब उसका दिल मानेगा तो दोबारा से उस अकाउंट को वो टॉप अप कर सकता है कोई भी और पैकेज बाय करके तो ऑटोमेटिकली उसमें वो वैल्यू एड हो जाएगी तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं लोगों को रेफर करना शुरू कर सकते हैं तो अगर एक एक हजार डॉलर से पच्चीस लोगों को भी आप लेके आए तो इसका फायदा ये है आपको नंबर वन कि जब आप कोई भी एक अकाउंट लेके आते हैं तो अब ये अकाउंट किस लिए खोला गया है अगर इन्वेस्टर से ये पूछा जाए या आप जो इन्वेस्टर को बता रहे हैं वो अकाउंट किस लिए खोल रहा है डेफिनेटली वो इस अकाउंट को ट्रेड करवाने के लिए खोल रहा है चाहे वो खुद एज ए इन्वेस्टर ट्रेड करना शुरू कर दे या वो किसी से एज ए ट्रेडर ट्रेड इन्वेस्टर ट्रेड करवाना शुरू कर दे तो जब उसके अकाउंट में ट्रेड होगा तो हर ट्रेड के बदले कंपनी आपको पांच डॉलर देगी पर स्टैंडर्ड लॉट इनिशियली अगर आप जुल्लू में देखें या इटोरो में देखें तो आपको इनिशियली इतना कमीशन नहीं मिलता हर ट्रेड के ऊपर राइट और लेकिन अगर आप लेवल वन पे लेट से टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो है वो पच्चीस हजार डॉलर का कर लेते हैं लेवल वन पे इस सारे को मिला के यानी कि आप एक बंदे से करवा लें आप पच्चीस लोगों को ले आए डिपेंड करता है कि पच्चीस हजार डॉलर वॉल्यूम कितने लोगों के आने से होता है तो जैसे ही आपका पच्चीस हजार डॉलर का वॉल्यूम होगा और ये जितने भी अकाउंट ट्रेड हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका कमीशन बढ़ के आपके लिए नौ डॉलर हो जाएगा पर स्टैंडर्ड लॉट तो इसमें अगर मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन कलकुल, देना चाहूँ क्योंकि ये एक वेरिएबल इनकम है लेकिन ये एवरी मंथ आएगी क्योंकि इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि अगर वो एक महीने ट्रेड करवा के प्रॉफिट जो बना रहा है वो निकाल ले तो अगले महीने दोबारा प्रॉफिट ना बनाए वो ट्रेड करवाएगा ही करवाएगा या खुद ट्रेड करेगा ही करेगा तो आपको हर ट्रेड के बदले डेफिनेटली उसमें से कमीशन आता चला जाएगा तो अगर हम इसकी बात करें पच्चीस हजार डॉलर के बिजनेस की लेट से अगर एक एक हजार डॉलर के भी पच्चीस अकाउंट लगवाएं आप या एक ही पच्चीस हजार डॉलर का अकाउंट लगाए तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि एवरेज इनकम अंदाजा लगा के बताइए कि कितनी बन सकती है हमारी मंथली तो इसमें जो हमने अंदाजा लगाया है एवरेज इनकम जो है वो ऑलमोस्ट अगर मैं आपको एक राउंड फिगर देना चाहूँ तो ये 1500 डॉलर से लेके ये आपकी 2500 डॉलर तक जाती है डिपेंड करता है कि आप आपके इन्वेस्टर्स के अकाउंट में ट्रेडिंग कितना हुआ है लेकिन ये 1500 डॉलर से लेके 2500 डॉलर तक मंथली इनकम का चेक आप इसमें बना सकते हैं और ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने आपको या किसी को भी जेब से नहीं देने होते क्योंकि दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है आप उसमें देखेंगे तो उसमें एक स्प्रेड का डिफरेंस होता है जो कि हर कंपनी रखती है अगर आप इसमें एम टी के अंदर रेट भी चेक करेंगे तो वो भी आपको दूसरे ब्रोकर्स के साथ आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं अच्छे रेट दे रही है कंपनी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं और इसकी कम्युनिटी हम बढ़ा सकें फॉरेक्स वालों की तो होगा क्या कि आ, हर कमीशन के ऊपर जो कंपनी इन्वेस्टर से डिडक्ट करती है आ, अपने प्रोडक्ट देने के बदले डेफिनेटली उस कमीशन में से कंपनी आपको एज ए एफिलट या एज ए नेटवर्कर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो इसमें इस तरीके से मेरे ख्याल में प्लान जो है वो आप सब लोग समझ चुके हुए हैं ऑलरेडी अनुज ने भावेश जी ने मोहसन uh, साहब ने काफी ज्यादा इस प्लान को डिस्कस किया है फिर भी किसी को समझ ना आए आए तो आप हमसे uh, क्यूरी डाल सकते हैं फेसबुक uh, पे हमारे व्हाट्सएप पे तो डेफिनेटली हम आपको uh, 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 समझा सकते हैं लेकिन इस पे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ओवरऑल विजन क्या है कॉन्सेप्ट क्या है तो इसमें एक तो फायदा ये है कि आप जितने भी लोगों को लेके आ रहे हैं एक तो आपको उसका इनिशियल फायदा हो रहा है ट्वेंटी परसेंट आप अपना बक्स क्वाइन इस्तेमाल कर सकते हो क्वाइन मार्केट कैप वाली वैल्यू के ऊपर बिट्सो लाइफ के अंदर जो एम फोर अकाउंट आ रहे हैं दूसरे नंबर पे आप क्या काम कर सकते हो कि सिंपली इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं और वो ट्रेड कर रहे हैं तो उन ट्रेड के ऊपर आप इसमें फायदा ले सकते हैं और तीसरे नंबर पे ये है कि उनके जो आगे लोग आएंगे तो उनसे भी आप फायदा ले सकते हैं तो कंपनी ने अभी एक प्रमोशन भी डिजाइन की है जो कि बहुत जबरदस्त प्रमोशन है कि अभी ये आपकी टीम स्टार्ट हो रही है तो अभी कंपनी ने इसको कोई क्राइटेरिया टाइट नहीं किया बड़ा आसान सा क्राइटेरिया रखा है प्रमोशन के लिए लेट से आपने किसी को एक हजार डॉलर से दो हजार डॉलर से पांच हजार डॉलर से इंट्रोड्यूस करवाया करते करते उन्होंने भी काम शुरू कर दिया आपके साथ ही उन्होंने भी किसी को पांच हजार डॉलर से इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने भी किसी को एक हजार डॉलर से इंट्रोड्यूस करवाया तो करते करते जब आपकी टोटल टीम का जो है बिजनेस वॉल्यूम पच्चीस हजार डॉलर हो जाता है जो कि बड़ा आसान है इस यहाँ तक पहुंचना क्योंकि अगर आप पांच लोगों को लेकर आते हैं एक एक हजार वालों को और वो आगे पांच पांच को लेके आते हैं तो आप इस टारगेट तक इजीली पहुंच चुके होते हैं तो इस पच्चीस हजार डॉलर के बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर नंबर वन तो जैसे मैंने आपको फायदा बताया कि अगर ये आपके डायरेक्ट ही आ जाए तो आपका ये मंथली चेक भी बन सकता है आ, हर ट्रेड के ऊपर जो आपको कमीशन आ रहा है उसमें से दूसरे नंबर पे क्या होता है कि आप अगर इस प्रमोशन को जितनी जल्दी अचीव करते हैं तो पच्चीस हजार डॉलर की बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी आपको एक लैपटॉप दे रही है तो आप किसी भी कंट्री से हैं आप इस बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के आते हैं तो आप कंपनी से ये लैपटॉप जो है वो अचीव कर पाएंगे एज ए प्रमोटर दूसरे नंबर पे अगर आप ये बिजनेस वॉल्यूम डायरेक्ट लाते हैं यानी कि लेवल वन पे लाते हैं तो आपको इसके एक तो फायदा ये होगा इसका भी क्राइटेरिया पच्चीस हजार ही है अच्छा आप ये दोनों प्रमोशन भी हिट कर सकते हैं लेट से अगर आपकी टीम ने टोटल मिला के पच्चीस हजार किया तो डेफिनेटली आपका ये पहला वाला प्रमोशन पहले अचीव हो जाएगा लेकिन अगर उसके बाद आप डायरेक्ट में ये इस लाइन में पच्चीस हजार पूरे कर लेते हैं तो देन आपको कंपनी इसके अंदर एक मोबाइल दे रही है आप आईफोन मोबाइल ले सकते हैं लेटेस्ट मॉडल या नोट uh, सैमसंग का ले सकते हैं ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है तो कंपनी आपको इसमें मोबाइल दे रही है uh, uh, तो ये आपके डायरेक्ट बिजनेस के के ऊपर है दूसरा फिर टीम uh, वॉल्यूम पे है कि अगर टीम से बिजनेस वॉल्यूम और बढ़े और वो टोटल में एक लाख डॉलर हो जाए ये अक्यूमुलेटेड है ये नया नहीं है यानी कि वो पिछला पच्चीस हजार इसके अंदर शामिल है तो अगर एक लाख डॉलर हो जाए तो आप इसमें जो है वो एक बाइक जो है विन कर सकते हैं कंपनी से जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट टू थाउजेंड डॉलर होगी और अगर हम मोबाइल की कॉस्ट की बात करें तो दैट विल बी अराउंड एट हंड्रेड डॉलर और अगर लैपटॉप की बात करें तो ये चार सौ डॉलर के इक्वेलेंट वैल्यू का लैपटॉप कंपनी आपको गिफ्ट करेगी अच्छा उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेवल पे टीम बिजनेस वॉल्यूम में जाते हैं तो इसमें आपको तकरीबन टू हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर का वॉल्यूम अचीव करना पड़ेगा और टू हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर का जो वॉल्यूम है इसके ऊपर कंपनी आपको एक कार दे रही है जिसकी वैल्यू होगी अः सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर या आप अगर कोई उससे ज्यादा एक्सपेंसिव कार लेना चाहते हैं तो कंपनी उसके अंदर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एड करेगी बाकी पैसे आप खुद उसमें ऐड करके गाड़ी उसमें बाय कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं तो ये आप बड़ी अच्छी अचीवमेंट अच्छी भी कर सकते हैं बिजनेस में लाने के साथ साथ अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आप खुद ये बिजनेस लाते हैं तो आपका कितना बक्स इस्तेमाल होगा लेकिन अगर आपकी टीम भी इस्तेमाल करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ये सोचिए कि आपकी टीम का कितना बक्स कॉइन इस्तेमाल होगा तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे फायदा आपको ही होगा अगर आपकी टीम का बक्स कॉइन जो है वो रिडीम हो रहा है और वो अपने बक्स कॉइन कंज्यूम कर रहे हैं और पैसे अर्न कर रहे हैं ओके okay. तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इस बिजनेस वॉल्यूम को डायरेक्टली पच्चीस हजार डॉलर पे ले जाते हैं तो इसका जो मेन फायदा है वो ये है कि आप सब लोगों को मास्टर आईबी बनाना चाहते हैं हम लोग जिसको आप एम सिंपल कह सकते हैं मास्टर आई मास्टर आई बनने से फायदा ये होगा आपको कि आप जहां पे पांच डॉलर का हर स्टैंडर्ड लॉट पे कमीशन ले रहे हैं कंपनी से तो वहां पे आप नौ डॉलर ले रहे होंगे तो डेफिनेटली कंपनी ये चाहती है कि जहां पे आउटर इन्वेस्टर आएंगे और मोयो ट्रेड का हिस्सा बनेंगे और वो ट्रेडर से फायदा उठाएंगे और आउटर ट्रेडर आएंगे या इनर ट्रेडर भी आएंगे और वो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाएंगे तो कंपनी वहीं पे सेम टाइम ये भी चाहती है कि उसका नेटवर्कर भी फायदा उठाए जिन इन्वेस्टर्स को वो लेकर के आ रहा है तो उसके लिए कंपनी प्रमोशन भी दे रही है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट कर सकें और आप ज्यादा से ज्यादा अपना बक्स क्वाइन कंज्यूम कर सकें अब क्वेश्चन ये है कि इसमें बक्स कॉइन का क्या रोल रहेगा तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम आज के दिन में देखें तो अगर आप ये देखें कि ये जितना भी मार्केट में बक्स कॉइन बेचा गया है ये कोई डायरेक्टली मोहसन जमील साहब ने या मैंने जाके मार्केट में तो नहीं बेचा ये हमारी ब्रिट्सो लाइफ की कम्युनिटी ने हमारे साथ मिलके बेचा राइट अब ये जो हम नेक्स्ट बक्स क्वाइन के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम लेके आए हैं या एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आप पैसे कमा सकते हैं अगर आप नेटवर्कर हैं तो भी पैसे कमा सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी पैसे कमा सकते हैं और अगर आप तीनों हैं तो आप हर जगह से पैसे कमा सकते हैं तो इसमें फायदा आपको ये है आ, कि सबसे पहले नंबर पे जो बिट्सो लाइफ की कम्युनिटी को सबसे पहले कंपनी ये मार्जिन दे रही है कि सबसे पहले आप अपना ट्वेंटी परसेंट बक्स क्वाइन इस्तेमाल कर लो नए एम फोर के अकाउंट लाने पे या क्लाइंट लाने पे क्योंकि एम फोर के क्लाइंट कभी भी बिट्सो लाइफ का हिस्सा नहीं रहे पहले एक पार्शली लेवल पे कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था जिसमें सिर्फ 2500 से 3000 अकाउंट खुले अगर देखा जाए तो एमटी फोर के अंदर जो है वो 6.7 ट्रिलियन का वॉल्यूम है और दुनिया भर में जो है वो लोगों के मिलियंस ऑफ अकाउंट हैं अगर सिर्फ आप इटोरो के ही क्लाइंट देख लें तो टेन मिलियन क्लाइंट है इटोरो का ही सिंपली तो उसमें जुलू का कितना क्लाइंट होगा और और कितनी कंपनीज है तो ये एक समंदर है जिसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है इसको सीख के प्रमोट करना है तो अगर आपको कोई ट्रेडर मिलता है तो वो आपके मोयो का पार्ट बन जाएगा अगर आपको कोई इन्वेस्टर मिलता है किसी और ब्रोकर का तो सबसे पहले आप उसको इसका पार्ट बनाए इवेंचुअली वो इसी में आएगा क्यों आएगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन सबसे पहले मैं अब ब्रिट्सो लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं दोबारा मोयो के ऊपर तो सबसे पहले कंपनी ने ब्रिट्सो लाइफ कम्युनिटी का ख्याल रखा है कि जब तक यहां पे कम्युनिटी आए और जैसे जैसे आए या बिजनेस बने तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म का एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर एज एज फॉर इन्वेस्टर सबसे पहले फायदा बिट्सो लाइफ के लोगों को ही हो डेट इज वाई कंपनी ने सबसे पहले बिट्सो लाइफ के अंदर प्रमोशन लॉन्च की दो महीना पहले मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ भावेश भावेश जी को उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो तो उन्होंने इसकी प्री लॉन्च बहुत ज्यादा जो है प्रमोशन की और दैट इज वाई लोग फिर आज आ रहे हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले कंपनी ने बिटसो लाइफ की कम्युनिटी का ख्याल रखा है अब काम ये बनता है आपका एज ए नेटवर्कर कि आप इसमें फाइंड आउट करें कि आपके लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है जो कि मैंने आपको एक छोटे से बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बताई अगर आप इस लेवल को अचीव करने के लिए जो कि मास्टर आईबी का लेवल है दो महीने भी लगाएं और आपका ये चेक मंथली बनना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में घर बैठे आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आपको एज ए एफिलियट मीटिंग्स करना स्टार्ट कर देनी चाहिए और लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफर करना शुरू कर देना चाहिए तो अभी पहले लेवल पे तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे जो आपके इर्द गिर्द जानने वाले लोग हैं एम में आप उनको ला सकते हैं अगर कोई एम फोर के लोग नहीं भी हैं और वो इन्वेस्टर हैं तो आप उनको मोयो ट्रेड का प्लेटफॉर्म दिखा के और मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म के रिजल्ट दिखा के उनको मोटिवेट करके यहाँ पे ला सकते हैं और वो अपने आप यहाँ पे ट्रेडर से फॉलो करके प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे तो आपको इसको इनिशियली मैनुअली इस काम को करना पड़ेगा लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जो कंपनी आपके लिए एक्चुअली में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है अभी नेक्स्ट टेन मिनट में आपने उसको समझना है ये सारी बातें भूल के आ, ये मेरा मेरा मेरे ख्याल में वेबिनार बहुत सारे लोग रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे पे, के लोगों के लिए ही कंपनी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि कंपनी किसी भी शख्स को जिसको मोयो ट्रेड के अंदर ला रही है नॉर्मली बिट्सो लाइफ के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी इसलिए नहीं बनी क्योंकि दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनीज के लोगों को तोड़ के यहां पे लाना कोई आसान काम नहीं है डेफिनेटली लोग प्लेटफॉर्म चेंज करना ज्यादा पसंद नहीं करते लेकिन ट्रेड के अंदर हमने इस फार्मूले को ही खत्म कर दिया है आप सिंपली दुनिया में किसी भी एक्चुअली में ये इसको सिर्फ आपने समझना है कि एक्चुअली में कंपनी का पोटेंशियल क्लाइंट क्या है देन आप इसका एक्सपोजर समझ सकेंगे कंपनी के लिए ये एडवांटेज है और डेफिनेटली कंपनी की कम्युनिटी के लिए कैसे एडवांटेज होगा जब इस यहाँ पे कम्युनिटी आ जाएगी तो ये आपको अभी समझ में आएगा कंपनी के लिए एडवांटेज ये है कि कंपनी क्या कर सकती है किसी भी एम फोर के अकाउंट जो दुनिया में कहीं पे भी कोई शख्स ट्रेड कर रहा है एक मिलियन डॉलर से एक डॉलर से दस मिलियन डॉलर से उस शख्स को इस बात पे मजबूर किए बगैर कि आप अपना कैपिटल अपने ब्रोकर से निकालो जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है और मेरे पे ट्रस्ट करो नहीं कंपनी ये कह रही है कि अपना कैपिटल अपने ब्रोकर के पास ही बेशक रखो इनिशियली आप एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर मोयो ट्रेड को ज्वाइन करो और रिजल्ट देखो पहले तो आप सोचो कि अगर इसमें ट्रेडर्स अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं और इन्वेस्टर जो जहाँ पे आ रहे हैं तो उस इन्वेस्टर को एक्चुअली में एक काम करना पड़ रहा है और वो काम उनको क्या करना पड़ रहा है कि अगर लेट से एक ब्रोकर है और उस ब्रोकर का मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर नाम ले रहा हूं एक्सनेस है अब इस ब्रोकर के अंदर किसी बंदे का एक लाख डॉलर का अकाउंट है और उन्होंने इस एक लाख डॉलर के अकाउंट को यहां पे एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है तो सबसे पहले नंबर पे तो आप उससे ये सवाल पूछेंगे कि अगर आपने एम टी फोर में ये कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो क्या आप खुद ट्रेड कर रहे हो अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हो या आप किसी से ट्रेड करवा रहे हो तो उसमें दो ही ऑप्शन हो सकती हैं या तो वो ये कह सकता है कि मैं बहुत हैप्पी हूं मैं बहुत अच्छा ट्रेड कर लेता हूं ठीक है तो मुझे कोई मतलब मैं बहुत हैप्पी हूं बहुत सेटिस्फाइड हूं बहुत एक्सपीरियंस हूं मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेता हूं लेट से वो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता है और वो ये कहता है कि जी मैंने फिफ्टी लिया मंथ तो अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पे मुतमिन भी है तो आप क्या कर सकते हैं उसको एज ए ट्रेडर लाएं। क्योंकि वो बंदा आपकी जरूरत है वो बंदा हमारे प्लेटफॉर्म की जरूरत है क्योंकि हमारे इन्वेस्टर अगर उसको फॉलो करके दस हजार डॉलर का अकाउंट खोल के पांच हजार डॉलर दो महीने में बनाते हैं तो हमें इससे ज्यादा बड़ी खुशी क्या चाहिए क्योंकि ट्रेड तो हमारे इन्वेस्टर के अकाउंटों पे ही हो रहा है और इनडायरेक्टली हमें उस पर कमीशन मिल रहा है उस, आ, उसके ऊपर और जितना ज्यादा हमारे इन्वेस्टर को फायदा जाएगा उतना ज्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगी लेकिन अगर ये बंदा ये कहता है कि जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं मैंने एक लाख डॉलर लगाया ट्रेड मैंने कुछ चांस लिए मेरे पास बच गया अस्सी हजार डॉलर तो तो भी आप इस बंदे को अपने प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं लेकिन एज ए इन्वेस्टर और उस बंदे से ये कहें कि आप यहाँ पे जो ट्रेडर पैसा बना रहे हैं आप खुद ट्रेड नहीं करो जस्ट आप दिमाग ये लड़ाओ कि किस बंदे को फॉलो करना है और कौन सा बंदा ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है बस सारा दिन यही बैठ के देखो और लोगों को फॉलो करो और आराम से बैठ के पैसे बनाओ राइट तो डेफिनेटली इस बंदे को भी देने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके एज ए इन्वेस्टर प्रॉफिट बना सकता है अब लेट से किसी भी बंदे ने जैसे मैं यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को कोट करता हूँ एज ए आउटर इन्वेस्टर एक्सनेस का यहां पे आके उन्होंने एक लाख डॉलर का अकाउंट जोड़ दिया और उसके ऊपर बीस हजार डॉलर जो है वो प्रॉफिट बन गया ट्रेड होके एक्सनेस के, के प्लेटफॉर्म में एम के अब जब उसके ब्रोकर के अकाउंट के अंदर एक लाख बीस हजार डॉलर का प्रॉफिट बन गया तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रेडर है इसको तीन छे हजार डॉलर जो कि थर्टी परसेंट की शक्ल में जाने हैं और दस परसेंट जो के बनते हैं दो हजार डॉलर जो कि मोयो को जाने हैं वो कैसे जाएंगे तो इसका आंसर ये है कि ये बंदा क्या काम करेगा मोयो के अंदर एक प्रीपेड वॉलेट है तो इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा उस वॉलेट के अंदर बिटकॉइन बक्स कॉइन इथीरियम या डॉलर टीथर अभी कंपनी इसको फर्स्ट मंथ में बिटकॉइन से स्टार्ट कर रही है हमें और सब हमें और आप सब लोगों को मेहनत करना है कि इसमें कम्युनिटी आना शुरू हो जाए ट्रेडर का पैसा बनना शुरू हो जाए इन्वेस्टर जो है वो अपने अकाउंट कनेक्ट करना शुरू कर दे और उसका पैसा ट्रेडर के थ्रू बनना शुरू हो जाए तो जितना पैसा इस इन्वेस्टर का बनता चला जाएगा तो वो बंदा क्या करेगा बक्स क्वाइन एक्सचेंज से खरीद खरीद के ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाके जमा करेगा क्योंकि ये सिक्स थाउजेंड डॉलर जो है वो भी कंपनी ने बक्स क्वाइन की शक्ल में लेने हैं और ये जो टू थाउजेंड डॉलर है वो भी बक्स क्वाइन की शक्ल में लेने हैं लेकिन अभी इनिशियली कंपनी बिट में ले रही है ताकि एक मरतबा इसमें कम्युनिटी आ जाए क्योंकि अभी सबसे पहले जो है इनको सेटिस्फाइड करना है और इनको सेटिस्फाइड करना है और इनको सेटिस्फाइड करने का तरीकेकार कार ये है ट्रेडर को कि आप इसको ये कहो कि आप बिटकॉइन लेके जाओ यानी कि आप अपना अकाउंट फ्री में हुप करो और फ्री में अकाउंट हुकअप करके अपने ही अकाउंट पे ट्रेड करके और अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है और जितना भी प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट जो है वो आप बिटकॉइन के अंदर लेके जाओ तो जब इस बंदे को प्लेटफॉर्म का सबसे पहले फायदा हो देन उसको बिटकॉइन में विड्रॉल मिले तो डेफिनेटली उसका एक ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा मोयो ट्रेड के अंदर और जब वो मोयो ट्रेड को डीप स्टडी करेगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उसको घर बैठे उसके कैपिटल से भी ज्यादा अनलिमिटेड प्रॉफिट दे रही है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा वो ये जान पाएगा कि ये बक्स क्वाइन की यूटिलिटी है और अगर कंपनी उसमें वॉलेट एड करती है Coin का, तो उसके पास ये जैसे हमने शुरू में बात की यहाँ पे थे नेटवर्कर्स और देन थे इन्वेस्टर्स पिट्सो लाइफ की कम्युनिटी का हिस्सा जिन्होंने भर भर के बक्स क्वाइन को बेचा कंपनी के साथ मिलकर अब आज के दिन में ये लोग चाहते हैं कि वो अपने बक्स कॉइन को बेचें नेटवर्कर भी अपने बक्स कॉइन को बेचना चाहता है इन्वेस्टर भी अपने बक्स कॉइन को बेचना चाहता है और कंपनी भी चाहती है कि उसका भी बक्स कॉइन बिके क्योंकि कंपनी ने अपने लिए ही तो सारा इन्वेस्टमेंट किया है ताकि उसकी कम्युनिटी भी एक्टिवली प्रमोट करे और इनडायरेक्टली उनका भी बक्स कॉइन बिके तो इसका एक ही हल है उसका हल ये है कि आप इसके अगेंस्ट एक नई कम्युनिटी खड़ी करें जिनके पास कैपिटल अमाउंट या टिकट साइज जो है वो इस टिकट साइज से बड़ा हो और मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ के अंदर ज्यादा ज्यादा से जादा बड़ा टिकट साइज जो है वो दस हजार यूरो था या दस हजार डॉलर होता है को बहुत बड़ी छलांग लगा लें तो पचास हजार डॉलर से बड़ा टिकट साइज नहीं होता जबकि आप अगर एफिक्स के अंदर देखें तो इसके अंदर आपको मेजॉरिटी ऑफ पीपल मिल जाते हैं जिनका टिकट साइज जो है वो एक लाख डॉलर से ऊपर होता है अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं मैं एक ब्रिट्सोलाइव की कम्युनिटी का मेंबर हूं मैंने एक साल पहले जब कंपनी ने इसको लॉन्च किया था एम फोर को मैंने तभी पचास हजार डॉलर लॉन्च डाल दिया था इसमें और आज के दिन में मेरे पास पहले तो एज ए ट्रेडर अपने अकाउंट से पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी थी आज के दिन में मेरे पास एज ए ट्रेडर मोयो से भी पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है अगर मैं अपनी स्किल्स को और इंप्रूव करूं राइट right? हम यहाँ पे कैरियर बनाने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पैसे बनाने की बात कर रहे हैं इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर आपको सीखना पड़ेगा इसके ऊपर आपका पैशन चाहिए देन ये चा, जाके चीजें आप अचीव कर पाएंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या काम कर सकता हूँ आपका ये जहन क्लियर कर सकता हूँ कि ये किस तरीके से इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम बाइंग साइड खड़ी कर सकते हैं बक्स कॉइन के लिए भी और हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी कर सकते हैं एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर एज ए नेटवर्कर राइट तो यहां पे आप ये समझ लीजिए कि नेटवर्कर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं इनके बक्स क्वाइन को कंपनी ने भी और नेटवर्कर्स ने भी मिलके बेचना है कहां पे यहां पे इस कम्युनिटी के अंदर अब सबसे पहला इनिशिएटिव कंपनी ले रही है सबसे पहला इनिशियेटिव कंपनी क्या ले रही है मोसन जमील साहब है वो एज ए ट्रेडर काम कर रहे हैं मोयो ट्रेड के अंदर राइट right? मैं खुद मोयो ट्रेड के अंदर एज ए ट्रेडर काम कर रहा हूँ उसके बाद अगर मार्केटिंग साइड पे देखें तो ना सिर्फ हम एफिलियट मार्केटिंग में खुद काम कर रहे हैं अगर आपने मेरा ट्री भी देखा हो तो हम काम करते रहते हैं और प्लस एक इनहानस मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब के ऊपर और डिफरेंट जगहों के ऊपर क्योंकि हम आउटर इन्वेस्टर को भी लाना चाहते हैं और अगर देखें फर्ज करें आप एक आउटर इन्वेस्टर हैं आपका एक लाख डॉलर है आपने जो के एक्सनेस में मैनेज किया और अब आप बीस हजार डॉलर जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं आ, मोयो ट्रेड को फॉलो करने की वजह से एक्सनेस से तो अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो आपने ट्रेडर को शेयर देना है और जो मोयो को शेयर देना है वो शेयर देने के लिए आपको यहां से पैसा निकालना पड़ रहा है या आपको अपने बैंक से पैसा निकालना पड़ रहा है और आप क्या कर रहे हैं यहां पे बिटकॉइन डिपॉजिट कर रहे हैं एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आप टू वॉलेट्स मैनेज कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टर एक वॉलेट आप मैनेज कर रहे हैं एक्सनेस में और एक वॉलेट मैनेज कर रहे हैं आप मोयो में तो इवेंचुअली होगा क्या जैसे कंपनी फेस किंडल जो सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है कंपनी का उसको भी कनेक्ट कर रही है इसके साथ उसमें फ्री में साइन अप हो सकता है हर कोई वहां पे हम एफ एक्स के एजुकेशन सारी चीजें मटेरियल मौजूद होगा तो डेफिनेटली वहां पे फेस किंडल के थ्रू आप लोग भी या यहाँ पे मोयो ट्रेड के थ्रू आप लोग भी इसी इन्वेस्टर को ये मशवरा दे सकते हैं इस बात में मोटिवेट कर सकते हैं कि आप क्यों ना वन स्टॉप सोल्यूशन ले लो वो वन स्टॉप सोलूशन क्या है कि अगर वो बिट्सो लाइफ के अंदर यही अकाउंट ओपन कर लें यही एक लाख डॉलर वाला अकाउंट बिट्सो लाइफ के अंदर ओपन कर लें और उसी अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट कर लें तो उनको अलग से कोई बी डालने की जरूरत नहीं है अपने आ, होगा क्या कि सिंपली कंपनी इसी एम टी फोर में से उसकी वैल्यू को प्लस माइनस करती रहेगी उसके प्रॉफिट के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैं आ, जो आपको समझाना चाह रहा था और सोशल ट्रेडिंग में मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ आप जाइए जाके जुलू के ऊपर देखिए आप जाइए जाके इटोरो के ऊपर देखिए एज ए ट्रेडर देख लीजिए एज ए इन्वेस्टर देख लीजिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है और अगर हम आज के दिन में बात करें लेट्स एनानंस की अब हम आते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तरफ अब यहाँ पे बाइनांस में आते हैं बाइनांस ने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं सारी दुनिया में लोग जो है जो ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं वो बाइनांस है, के साथ भी अकाउंट खोलते हैं बिटफिनिक्स के साथ भी अकाउंट खोलते हैं और ये बाइनास ने अपना फ्यूचर्स लॉन्च किया है जिसको आप मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग भी कह सकते हैं इसमें आपको लिवरेज मिलती है राइट right? अब ये जो सेम चीज आप यहां पे जाके एज ए इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं लेट से मैं अगर यहां पे पचास हजार डॉलर डालू और उसके ऊपर मैं ट्रेड करके पांच हजार डॉलर महीने के बनाऊं तो बात ये है कि मैं तो सिर्फ अपने कैपिटल का इसमें रिस्क ले रहा हूं और अपने कैपिटल के रिस्क के ऊपर लिमिटेड प्रॉफिट बना रहा हूं क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है तो लिमिटेड इसमें प्रॉफिट बनेगा राइट लेकिन अगर यही फीचर्स मुझे जैसे कि एम टी फोर में बिट्सो लाइफ के ऊपर या मोयो uh, ट्रेड के ऊपर मिल रहा है कि ना सिर्फ मैं एफ के पेयर्स को बल्कि क्रिप्टो के पेयर्स को भी ट्रेड कर सकता हूं अगर आप मेरी ये सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखें ये एक्सपीटी बेसिकली बिटकॉइन का सिंबल है तो मैं ज्यादातर बिटकॉइन में ही ट्रेड करता हूं मतलब अगर मैं लाइफ uh, की कम्युनिटी का हिस्सा ना होता तो मैं बाइनांस uh, uh, के ऊपर ट्रेडर होता या बिटफिनिक्स के ऊपर ट्रेडर होता लेकिन मुझे बाइनांस जो है ये अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं करती कि उसके इन्वेस्टर मुझे कॉपी कर सके या दुनिया में जो एफएक्स के इन्वेस्टर हैं वो आके मुझे कॉपी कर सके तो सिंपली जितने भी लोग एफ के अंदर पैसा लगाते हैं या पैसा लगाते हैं इसके ऊपर क्रिप्टो uh, के अंदर एज ए ट्रेडर तो वो पहले तो अपने पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं और देन वो इन्वेस्टर से भी पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर ही ट्रेडिंग करके राइट तो ये जो प्रॉफिट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लेट्स अगर ये मोयो uh, ट्रेड के ऊपर मुझे लोग फॉलो करना शुरू कर दें और uh, uh, अगर मैंने अपने अकाउंट पे ये प्रॉफिट अर्न किया है लास्ट टू वीक्स में तो डेफिनेटली वो भी अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मेरे से प्रॉफिट बनाएंगे और मैं उनके प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाऊंगा तो ये एक मॉडल ऐसा डिजाइन किया है कंपनी ने जो कि विन विन सिचुएशन के ऊपर बेस करता है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से ताल्लुक रखते हैं तो आप देख लीजिए कि कितनी की कंपनीज ऐसी हैं मार्केट में जो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए दे मार्केट का राइट जिसके ऊपर आपके लिए वो विन विन सिचुएशन बनाए एज एफिलियट मार्केटर भी और एज ए इन्वेस्टर भी राइट right? और अगर आप एफ के अंदर जाए तो मार्केट में कितने ब्रोकर मौजूद हैं या आप अपने आप से सवाल पूछें या आप अपनी आर एन डी करें इसके ऊपर के कितने ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ये विजन लेके चल रहे हो के हमने इन्वेस्टर का भी प्रॉफिट बनवाना है राइट right? आज बाइनांस के अंदर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया पचास हजार डॉलर का लेट से अब वो पचास हजार डॉलर का अगर आप बिटकॉइन डालें या यूएसडी टीथर डालें तो वो बिटकॉइन का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो तो इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा नहीं है राइट अगर आपको उसको वैसे ही रखना है तो एक्सचेंज की क्या जरूरत है वो तो आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं ब्लॉक चेन के इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सचेंज में पोर्टफोलियो डालते हैं तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा अब मसला ये है कि खुद को बंदे को ट्रेड करना आता नहीं है और ये बात तब समझ में आती है जब सारे पैसे डबो लेता है बंदा राइट right? तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं ये ट्रेडर्स के लिए एक्सचेंजर्स हैं ये इन्वेस्टर के लिए नहीं है ये इन्वेस्टर को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देती कि, कि किसी एक्सपर्ट इन्वेस्टर को ट्रेड करके दे दे या कंपनी खुद ट्रेड करके दे दे राइट right? तो ये मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है वो क्या काम करता है वो इन्वेस्टर की कम्युनिटी अलग से बना रहा है ताकि पहले दिन से आपका भी एज मार्केटर अगले बंदे का क्लियर होना चाहिए आप आप उसको यही समझाएं कि अगर ट्रेडर अच्छे नहीं है तो आप एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं और आपने दूसरों को कॉपी करना है और आपका काम यह है कि सारा दिन बैठ के ये दिमाग लगाएं कि आज टॉप पे टॉप की रैंकिंग में कौन आ रहा है ये आज ज्यादा प्रॉफिट कौन बना रहा है तो उसको फॉलो करो सिंपली इतनी सी बात आपने उसको सिखानी है राइट right? तो हम क्या क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं जो कि एफएक्स के अंदर काम कर रहे हैं या जो कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो उन लो, उन लोग ट्रेडर्स को यह अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप एक कुएं के मैंडेक्स से ना बने बल्कि एक समंदर में आए राइट सिर्फ आप अपने कैपिटल के ऊपर पैसे ना बनाएं क्योंकि उसमें लिमिटेड प्रॉफिट बनेगा आपका आप उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट बनाने की तरफ आए राइट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो बंदा सीख ना सके जो समझ ना सके जब हम लोगों ने आ, आ, क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करना शुरू किया तो मेरा नहीं ख्याल कि मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स जो है उनको क्रिप्टो की सही तरीके से समझ भी थी राइट और इन्वेस्टर्स को भी समझ नहीं थी मार्केट में राइट लेकिन आज हर बंदा क्रिप्टो को समझता है बहुत सारे लोग जो है वो छोटी छोटी कंपनियों में चले जाते हैं या अपने दिमाग से आ, आ, कुछ आ, ऐसा करने की कोशिश करते हैं उनको लगता है कि कुछ नया कर रहे हैं प्लान पे प्लान प्लान पे प्लान लाते रहते हैं मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूं हो सकता है आप इस पर इतफाक करें या ना करें लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इस पर बिलीव करता हूं वो क्या है वो ये है कि आज के दिन के अंदर राइट क्रिप्टो की आपको ऐसी पचासों कंपनियां मिल जाएंगी जो टोकन कर रही होंगी जो क्वाइन कर रही होंगी और आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको आगे से जो अपने सर्कल में इन्वेस्टर मिलेंगे या जो लोग मिलेंगे वो आपको आगे से दस क्वाइन निकाल के दिखा देंगे कि इनके अंदर हमने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई कोई नई बात करो राइट right? अगर आप ऐसी कोई रोटेशन वाली आर का प्लान लेके चले जाते हैं मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली आपको पता है कि हर दूसरे दिन आर का प्लान आता है मार्केट में और वो कंपनी भाग जाती है राइट right? तो वो इन्वेस्टर वो या वो सर्कल आपका एज ए एफिलियेट जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको ऐसे दस वेबसाइट के नाम बता देगा जिसमें उसने या उन्होंने आर में पैसा डबोया होगा या उनके लोगों ने आर में पैसा डबोया होगा लेकिन आपको ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं मिलेगी आपको ऐसी कोई क्रिप्टो की कंपनी नहीं मिलेगी राइट जो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन दे रही हो और एक नया आइडिया दे रही हो और ऐसा नहीं है कि ये आइडिया कोई इजाद हमने किया है कोई हम नासा के साइंटिस्ट हैं आप ये देखिए कि ऑलरेडी जुलू ट्रेड मार्केट में काम कर रहा है सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर्स डेवलप किए हैं उसमें जुलू ट्रेड सिर्फ लिमिटेड ब्रोकर्स के साथ काम कर रहा है और लिमिटेड ब्रोकर्स के साथ काम करके उसके पास वॉल्यूम देखिए कितना है 1.2 ट्रिलियन डॉलर राइट आज जुलू के ट्रेडर भी मोयो ट्रेड के अंदर आना चाहेंगे क्यों क्योंकि अगर वो जुलू के अंदर एज ए ट्रेडर इन्वेस्टमेंट करके उनके इन्वेस्टर से फायदा उठा रहे हैं तो क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि हम मोयो के इन्वेस्टर से भी फायदा उठाएं और उसको फायदा दें तो वो प्रॉफिट बना के देंगे तो फायदा लेंगे राइट right? दूसरी बात ये है कि जुलू उनको ट्वेंटी परसेंट का मार्जिन दे रहा है प्रॉफिट में से मोयो थर्टी परसेंट दे रहा है राइट right? तो कहने का मतलब यह है कि एज ए ट्रेडर जो है वो ज्यादा फायदा दे रहा है मोयो और अगर एज ए इन्वेस्टर भी देखा जाए तो जुलू जो है, है। जबकि मोयो जो है वो सिक्सटी परसेंट मार्जिन दे रहा है इन्वेस्टर को तो इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से भी हम लोगों ने सोचा और ट्रेडर के परस्पेक्टिव से भी सोचा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए ताकि लोग एक मरतबा आए और लोग इसमें एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर और एज एफिलियट ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए जैसे मैंने आपको यहाँ पे इटोरो में दिखाया कि अगर आपने इटोरो के अंदर डायमंड मेंबरशिप लेनी है तो दो लाख पचास हजार डॉलर से तो आपने शुरू करना ही अपना कारोबार राइट तो आप खुद सोचिए कि इटोरो के अंदर जो दो लाख पचास हजार डॉलर से शुरू करके बैठे हैं मिनिमम पांच हजार डॉलर से शुरू करके बैठे हैं और दस मिलियन यूजर है उनका राइट right? और उस दस मिलियन यूजर में से मैक्सिमम लोग जो है वो इस क्लब में है हजारों लोग इस क्लब में है लाखों लोग इस क्लब में तो डेफिनेटली वो लोग अगर इतनी हैवी पेमेंट करके कॉपी ट्रेड को बाय कर रहे हैं यानी कि एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर राइट right? तो हम तो एक बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनको और एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बड़ी दे रहे हैं लेकिन हम एक छोटा सा क्राइटेरिया दे रहे हैं कि आपके पास अगर बिट्सो लाइव में 200 डॉलर का भी अकाउंट बाय कर लोगे तो ट्रेडर बन जाओ अगर आपने बिटसो लाइव का अकाउंट बाय नहीं भी करना अपने ब्रोकर ब्रोकर का ही आके अपना अकाउंट उत्प कर लो और ट्रेडर बन जाओ हम तो इनिशियली उससे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रख रहे वो आए एक मरतबा यहाँ पे ट्रेड करे पैसा बनाए और पैसा बनाने के बाद वो डिसाइड करे कि अपना कैपिटल यहाँ पे लाना है या नहीं लाना राइट तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है जुलू जो है वो 2007 से काम कर रहा है इटोरो भी कई साल से काम कर रहा है ये है वो सही बिजनेस ये है वो सही जिस जिसपे अगर हम लोगों ने मिलके मिलके अपने अपने लेवल पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप दस मिलियन डॉलर ले आइए आप पचास मिलियन डॉलर का ले आइए हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करे आने वाले दो महीने में उसने अपने आप को मास्टर आईबी बनाना है बेशक हजार हजार डॉलर के अकाउंट लाना शुरू कर दें इसी से आप सारी चीजें चेक करें रिजल्ट देखें उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने बड़ा कैपिटल लाना है कि नहीं लाना लेकिन जब तक आप डिसाइड करें या ना करें हम क्या कर रहे हैं हम एज ए कंपनी एज ए लीडर हम लोग कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कैंपेन करने के लिए और हम आउटर मार्केट्स को ला रहे हैं जिसका हमारा कमिटमेंट था कि हम आउटर मार्केट का ट्रेडर लाएंगे हम आउटर मार्केट का इन्वेस्टर लाएंगे और कल को वही आउटर मार्केट का ट्रेडर और इन्वेस्टर जब पेमेंट गेट वे बक्स क्वाइन है तो डेफिनेटली वो बक्स क्वाइन लेगा हो सकता है वो जाके एक्सचेंज पे बेचे हो सकता है वो इसको होल्ड भी करे क्योंकि नेटवर्कर्स ने भी इसी तरीके से होल्ड किया इन्वेस्टर ने भी इसी तरीके से होल्ड किया तो ये जो दो कम्युनिटीज हैं जो कि नई वेन्यूज कंपनी ने खोले हैं तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा Uh, के कुछ भी नहीं कर सकते तो मैक्सिमम सपोर्ट करिए सोशल मीडिया के ऊपर मैक्सिमम uh, आप uh, जो है इसके ऊपर uh, जिस लेवल पे भी सपोर्ट कर सकते हैं कंपनी uh, को अखलाकी तौर पे प्रमोशनल वाइज किसी भी लेवल पे आपको इस चीज़ को अप्रीशिएट करना चाहिए आज के दिन में प्रैक्टिकली ईमानदारी से अपने ईमान के साथ अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में कितनी कितनी कंपनियां आप लोगों ने बदलनी और कितनी कितनी कंपनियां आपके जानने वालों ने बदलनी होगी राइट और आज वो कंपनियां कहां पे हैं कहीं पे भी नहीं है नजर ही नहीं आती राइट आज के पेंडेमिक के टाइम में एक नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है इंसानियत के ऊपर आप ये देखिए कि बड़े बड़े बिजनेस जो है वो इस वक्त क्राइसिस में जा चुके हुए अल्लाह ताला ताला ने हमें यह मौका दिया कि हमने तीन साल पहले यह लाइन सिलेक्ट की राइट और एक ऐसी लाइन सिलेक्ट की कि घर पे बैठे हम ए, इसके एफएक्स के ऊपर बिजनेस ऐसी कोई चीज कंपनी ने नहीं, नहीं छोड़ी अब कंपनी बड़ी सही डायरेक्शन में है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है अपने ज्यादा से ज्यादा एम टी फोर में अकाउंट सेटअप करके खुद उसमें पहले रिजल्ट देखे जब आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिले तो डेफिनेटली आप उन सेम रिजल्ट को अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं आपकी इतनी सपोर्ट काफी होगी बाकी काम छोड़ दें आप कंपनी पे और हम लोगों पे आप इंशाल्लाह देखिएगा कि हम अब जब कैंपेन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पहले हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थे राइट और ये सही टाइम है मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट लॉन्चिंग का पहले हम बड़े बड़े इवेंट्स करते थे राइट अभी आप देखेंगे वर्चुअल लॉन्चिंग होंगी ये एक नया ट्रेंड सेट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग तो होगा क्या कि आपको आ, मैं सिंपली ये कहूंगा कि जहां पे नियत होती है तो अल्लाह ताला आपको रस्ते बना के दे ही देता है और ये पहले दिन से मैं लास्ट टू एंड हाफ ईयर से वेबिनार कर रहा हूँ और लास्ट वन ईयर से बहुत ज्यादा वेबिनार कर रहा हूँ आप लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन कर रहा हूँ समटाइम लोग जो है वो लंबी डिस्कशन से बोर भी हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो मुझे सुनना चाह रहे होते हैं उनकी रिक्वेस्ट होती है तो बेसिकली ये उनके लिए होता है। लेकिन बात यह है कि हमारा इस बात का यकीन है और हमारा इस बात का ईमान है कि हम आखिरी दम तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव करते हैं ये प्रोजेक्ट सामने आ चुका हुआ है और जितना हम लोगों को लगता था कि यह कभी बनी नहीं पाएगा जितना हम बनाने के ऊपर बिलीव रखते हैं मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि उससे चार हजार परसेंट ज्यादा जो है वो हम इसको सक्सेसफुल करने के ऊपर बिलीव रखते हैं चाहे इसके ऊपर एक महीने का टाइम लगे चाहे उसके ऊपर एक साल का टाइम लगे चाहे इसके ऊपर दो साल का टाइम लगे हमारी कमिटमेंट के अंदर काम की तरफ कोई जो है कमी बेशी नहीं आने वाली आप लोग